हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में सब्जेक्ट हिंदी में देखो लेसन नंबर 10 थप रोटी थप दाल। तो पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब नाटक का पर्दा पड़ता है तो बच्चे लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे। अचानक मुन्नी घर में से भागी भागी वही आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चे खेल चलता रहता है कि जब खेल का पर्दा खिलता सब बच्चे खेल रहे बहुत उत्साह से खुद से वो लोग सब लोग खेल रहे। अचानक मुन्नी घर से आती है और नीना को पुकारती है। नीना किनारे पे सामने आती है और बाकी सब बच्चे पीछे खेल रहे हैं। देखो तुम लोग को दिख रहा है खेलते हुए। मुन्नी पुकार कर ओ नीना नीना सुन। मुन्नी पुकारती है ओ नीना सुन। नीना पास आते हुए क्यों क्या बात है मुन्नी। नीना बोलती पास आती है बोलते क्या बात है मुन्नी। मुन्नी देख नीना आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन सब चीजें ले ली है चल रोटी का खेल खेलेंगे। मुन्नी बोलती कि देख नीना मैंने आज अपनी अम्मा से आटा घी दाल साग चीनी मक्खन सब चीज ले ली चल अपन चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना हाँ खूब मजा आएगा चलो इन लोगों को भी बुला लो ताली बजाकर। अरे ओ चुन्नू सुनो अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई चलो अब रोटी का खेल खेलेंगे। नीना बोलती हाँ खूब मजा आएगा चलो अपो खेलते हैं। तो चलो इन लोगों को भी बुला बाकी जो पीछे खेले उसको भी बुलाते ताली बजा के बुलाते कि चुन्नू सुनो अब ये खेल रहे खेलते हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है चलो अभी नया खेल रोटी का खेल खेलते सब। हाँ हाँ यह ठीक है बोलते कि हाँ हाँ चलो ठीक है अपन एक खेल खेलते है। मुन्नी अच्छा अच्छा चलो देखो चुन्नू तू और टीकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। मुन्नी बोलती है कि अच्छा अच्छा चुन्नू और टीकू को क्या बोलते है बाजार से साग और सब्जी लाने का काम सौंपते है। नीना नहीं मुन्नी इन दोनों को दाल बनवाएंगे जब उनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। नीना बोलते कि नहीं नहीं मुन्नी इन दोनों को दाल बनवाते हैं और जब वो जब आग जलाएंगे तो आग नहीं जलेगी तो बहुत मजा आएगा। चुन्नू तो क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते चल रे टीकू आज उन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे क्यों। चुन्नू बोलता है तू क्या मुझे समझती है कि हमें आग नहीं जलानी आती है टीकू चल आज उसको दाल बना के दिखाई देते है। टीकू हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे बोलते कि ठीक है दोस्त चलो देख लेंगे। मुन्नी तो सरला तू क्या करेगी। अभी मुन्नी सरला से पूछे कि तू क्या करेगी सरला। भाई मैं तो दही का मटका चला दूंगी बोलते कि मैं दही का मटका चला दूंगी यानी कि जो मक्खन बनाते है बराबर उसको वो चला दूंगी। मुन्नी और सरला तू बोलते कि तरला तू क्या करेगी। तरला मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी क्योंकि मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। मुन्नी के से नीना ठीक है मैं तो बिल्ली बन जाओ जाती हूँ खूब मजा आएगा तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। और नीना क्या बनती है बोलती मैं तो बिल्ली बन जाऊंगी और तुम लोग जो जो खाना बनाओगे वो सब खाना मैं खा जाऊंगी। अभी मटकी चलन दाहे कर हांडी लेकर अभिनव के साथ सरला और तरला रंग पर आती है फिर गागरी उतारने का और बाद में रूई से मटका चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। तो मटका चलाने का हांडी लेकर अभिनय के साथ तरला और सरला दोनों रंगमंच पे स्टेज पे आती है बाद में मटका उतारने का मटका चलाने का अभिनय करते है। एक बच्चा रोते हुए अपनी माँ के पास आता है और उसे मक्खन देने का अनुभव अभिनय करते है। प्यार के पास भी जाकर भी मटका चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है मटका देखने का अनुभव करती है बाद में वो बच्चे को प्यार से बच्चे के पास बिठा देती है। इतने मुन्नी दौड़ के आती है दौड़ के आने का नाटक करके मटका देखने का अभिनय करती है। मुन्नी वाह खूब चलाया मटका देखू यह मीठा या खट्टा। मुन्नी बोलती है खूब मटका चलाया अच्छे से तो देखती हूँ ये मीठा है या खट्टा है। सरला क्या देखेगी इस मटके का बढ़िया स्वाद खाकर सब करेंगे करते हैं याद। सरला बोले क्या तू देखेगी ये मटके में तो बहुत बढ़िया स्वाद आया हुआ है खाकर सब मुझे याद करेंगे। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते दिखाई देते
है सरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखो क्या तरकारी लाए। तरला बोलते देखो चुन्नू और टिंकू आ चुके और देखो क्या तरकारी क्या क्या सब्जी लाए है। चुन्नू बोझ उतरते ओ पीठ रह गई दुख। चुन्नू अभी जो सामान लेके आए वो उतार सब्जी उतारने का नाटक करते बोलते कि मेरी तो पीठ दुखने लगी। टिंकू मुझको लगी करारी भूख। टिंकू बोलता मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुनि मुंह मटकाते हुए, बाबूजी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। मुन्नी मुंह मटकाते हुए बोलती है कि भूख बाबूजी भूख लगने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम आग जलाओ और उसके ऊपर हांडी डाल के हांडी रख के दाल पकाओगे तभी खाना मिलेगा। चुन्नू अरे हो चल जल्दी से दाल पकाए, बढ़िया का भी स्वाद चखाए। कि चुन्नू बोले चलो चलो अपन जल्दी से आग जला के दाल पकाते और उसे बढ़िया स्वाद चखाते है। दोनों आग जलाने का फूक मारने का धुएं की वजह से आंख में आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं, फिर दाल और बड़ी पकती है, कलछी और दाल चला कर चखते फिर उंगली जल जाती है। उंगली जलने का अनुभव साथ मुन्नी के पास आकर उन्हें दिखाती है। कभी दोनों आग जलाने का नाटक करता है, फूक मारने का धुएं उड़ता है और धुएं से आंख में आंसू आते ऐसा अभिनय करते है। बाद में दाल पकती है, बाद में करसी यानी कि चम्मच से आंख दाल को चखने का नाटक करते है, उसके बाद उंगली जल जाते ऐसा अभिनय करके बाद मुन्नी के पास जाते है। मुन्नी टिंकू पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। के चुन्नू टिंकू ने पकाई बढ़िया और चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जो बनाई वो जल जाती है और चुन्नू का बुरा हाल है। तरला तथा अन्य सखी एक और आती है और हाथ में कमर इस प्रकार रखा जैसे कि हाथ में दलिया हो, आकर बैठ जाती है, फिर गागर रोटी पकाने का निर्णय करती है। लड़कियां थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार, लड़कियां गाती है थप रोटी थप दाल खाने को हो तैयार। ये पंक्ति दो बार गाए जाने बाद चिन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान से आकर बैठे और बैठ जाते हैं, फिर लड़कियां की और हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं। अभी सब लोग चुन्नू टिंकू दोस्त एक पंक्ति में बैठ जाती है और उसके पीछे के और लड़कियों का हाथ फैलाकर मांगते हुए गाते हैं। चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब उड़ाए माल, के लाओ रोटी हमें रोटी दो हमें दाल दो। मुन्नी और तल्ला की सहेलिया रोटी का दालिया उठाकर उनका अभिनय करती हुई लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने का अंदाज में दो बार गाती है। अभी मुन्नी और तल्ला की सहेलिया रोटी उठा के रोटी के दलिया रोटी उठाकर लड़कों को देते हुए देने का अभिनव करती और गाती है। मुन्नी अदि ले लो रोटी ले लो दाल चक्कर हमें बताओ हाल। मुन्नी गाती है कि ले लो रोटी ले लो दाल और चक्कर बताओ कि वो कैसे बनी हुई है। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखती है तो कहते नहीं नहीं मीठा नहीं मैं ही नहीं खट्टा नहीं नहीं मीठा। अभी चुन्नू बोलता है कि खट्टा है, लेकिन जैसे मुन्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते बोलते नहीं नहीं मीठा खट्टा नहीं मीठा है, ऐसा खाने का अनुभव करते खट्टा मीठा ऐसा वो लोग बोलते है। सब बच्चे आधी खाए आधी रखे अब सो जाए उठकर चखे। ये सब लोग बोलते कि चलो आधी खाए आधी रख दो अभी सो जाओ सब, बाद में उठने के बाद चखना। सब बच्चे सो जाते अचानक बिल्ली मियाँ कर सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश कर चारों ओर देखती है और होठों पे जीभ फेर कर बड़ी खुशी से होकर कहती है कि अभी सब बच्चे सो जाते अचानक बिल्ली प्रवेश करती है मियाँ करके और जीभ पे होठ चख कर खुश होकर कहती है। बिल्ली ओ मक्खन कितना सारा चट से चटकर करो किनारा। बिल्ली बोलती कि ओह कितना अच्छा कितना सारा मक्खन है, फटाफट उसको चट करके जाती हूँ ऐसा वो बिल्ली कहती है। कर ऊपर उछलती है छीके पर की कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है। छीके किसको कहते है जहाँ छीके बोलते है उसके लिए रोटी रखी छीके पर क्या रखा है आन रही है कि अगर न चखा। वे देखते इस पे क्या रखा है आन दे उस अगर उसको चखा लाओ चखती हूँ। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए अभी बिल्ली हाथ बढ़ाकर उसमें रोटी
निकालती है। रोटी कैसी गरम गरम है, गीप से चुपड़ी नरम नरम है, खाते हुए मक्खन रोटी चावल दर जी पर खाया कितना माल। अभी रोटी कैसी नरम नरम है और क्या लगाया हुआ है, घी लगाया हुआ है, नरम नरम रोटी है, मक्खन रोटी चावल सब आज जी भर के मैंने खाया। अरे देखो यह मुन्नू चुन्नू टिंकू सारे खड़ाटे भर कर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाओ आलस्य को सबक सिखाओ, मियाओ 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 मियाओ। अभी देखते हैं सब पेट भर के खाए, उसके बाद देखो मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे कैसे खड़ाटे मार के सो रहे है। चलो मैं चुपके से फटाफट चली जाती हूँ, ये आलस्य को सबको सबक सिखाती, मियाओ मियाओ करके भागती है। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर सरला उठी और मक्खन के बर्तन को खाली देकर आदेश से चिल्लाती कहती हुई, अभी बिल्ली जाती है वैसे अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और जब मक्खन का बर्तन खाली देखती है तो जोर से चिल्लाती है सरला, अरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ गए है मक्खन और मलाई। बोलते टिंकू चुन्नू भाई ये मक्खन और मलाई कहाँ गई। मुन्नी चौक से चौकर उठते हुए, अरे जरा चीके पतक जाना और रोटी का पता लगाना, हाई रे ना रोटी ना दूध मलाई लगता है बिल्ली खाई। मुन्नी चौके बोलते जली जली उधर चीके तक जा तो उसमें रोटी रख के वो है कि नहीं, बोलते हाँ रोटी भी नहीं है और दूध मलाई सब लगता है बिल्ली खा गई है। एक बच्चा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। बोलते आधी रात को लगता है बिल्ली आई है और रोटी भी खा गई भात चावल सब खा गई। दूसरा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। बोलते दूसरा बच्चा बिल्ली आई आधी रात को और रोटी और भात खा गई है। टिकू चलो बिल्ली को ढूंढ मचाए फिर चोरी का मजा चखाए, इसके चलो अपन बिल्ली को ढूंढते है और उसने जो चोरी की उसका उसको मजा चखाते है। सब बच्चे ठीक ठीक सब बच्चे ठीक ठीक ऐसा बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं और कुछ बच्चे अंदर जाते बाहर आते ऐसा स्टेज पे बिल्ली को ढूंढने का नाचक करते ऊपर नीचे देखने का। उसके बाद तरला यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर, तरला बोलती लो यह बिल्ली मिल गई मिल गया चोर। बिल्ली को घबराते हुए रंगमंच पे स्टेज पे आती है और उसे सब पकड़ते है, सब करो पिटाई उसकी जोर हंसकर मारने का अभिनय करते है। बोल अभी खाएगी मेरी रोटी अब खाएगी मेरी दाल, सब उसको मारने का अभिनय करते हंसते हंसते हुए और बोलते तभी तो मेरी रोटी खाएगी मेरी दाल खाएगी। बिल्ली हाँ खाऊंगी सौ सौ बार जो सोओगे टांग पसार के। बिल्ली बोलते हाँ मैं खाऊंगी सौ बार खा जाऊंगी जब तुम लोग टांग पसार के गहरी नींद में सो जाओगे मैं खा जाऊंगी। यह करके बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं। तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सब बच्चे पकड़ो पकड़ो ऐसे जोर से चिल्लाते है और उसके पीछे भागते है और बाद में यहाँ पे नाटक पूरा हो जाता है। ऐसा खाना बनाते है बाद में खाना बना के बाद में रखते सो जाते है, उसके बाद बिल्ली आके खा जाती है, ऐसा सब बोले बच्चे लोग मिलके खेलते है, बहुत मजा आता है। उसमें अभी ए लेसन में से आप लोग को 30 हार्ड वर्क्स जो उनके लिखने है तो अच्छी राइटिंग से नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।